see my skills, my scene on screen. After working in film, I see myself very fortunate that I got this opportunity. Second of all, acting is a learning process. So just because I've done one film, that doesn't mean that I've achieved something. Obviously, acting is a learning process. I'm excited for this one and many more to come. My method is very different. I don't copy anybody, but obviously we learn everything from every other actor. So I've learned the caring nature, and she's very supportive, and she's very dedicated towards performing any scene. So yeah, I've learned a lot from her, and she was very supportive. She never treated me like a newcomer, and she was so warm and gentle, supportive too. देखिए फिल्म को आगे ले जाने के लिए तो म्यूजिक का ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि अगर म्यूजिक हिट होते हैं या म्यूजिक लोगों को पसंद आते हैं तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि उनको थिएटर तक ले जाने का जो जरिया होता है. आई थिंक म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है. जी चाह है, बिल्कुल चाह है मैंने, पर अब चाहता हूँ कि लोग मुझे चाहेंगे, बस उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर. अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, और कहीं ना कहीं तो इसी नर्वस भी हूँ, पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा लोगों का, बट आई एम हैप्पी एंड ग्लैड एंड इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए मौका मिला है मुझे. माई प्रोड्यूसर्स दे आर द बेस्ट, एसआरजी फिल्म एंड देन सो मेनी गुड एक्टर्स, देन माई को एक्टर जब मुझे सो मोमेंट, बट ऐसे भी मैं थोड़ी काम ही हूँ, काम पर्सन नॉट दैट हाइपर पर्सन, सो उतना प्रॉब्लम नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है. एंड यस, कॉफ़ी मेक्स मी फील वेरी काम एंड सो जस्ट वेटिंग एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू वॉच द मूवी. रियली 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 एक्साइटेड नाउ एंड आई जस्ट होप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा काम. बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया मैंने. सो या लेट्स सी, एंड आप सबकी विशेस चाहिए. थैंक यू. किरदार तो बहुत ही सुंदर, स्वीट, क्यूट लग रहा है. एक लड़की के किरदार है जिस लड़की का नाम है वाणी, और वो एक्चुअली बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत एक्सट्रोवर्ट, जो दिल में आता है वही बोल देती है, इस टाइप की लड़की है. और हीरो उसके घर के पास ही रहने के लिए आता है, एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्ट शी स्टार्टेड लविंग आई मीन लाइकिंग द हीरो, और उसके बाद कहानी की शुरुआत है. तो बाकी तो आपको मुझे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी.
फैमिली की तरह शूट किया और बहुत मतलब मजे से बहुत प्यार से बहुत क्या बोले उसको कहाँ पर हमने शूट किया कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हमें कुछ भी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं हमने ऐसे शूट किया तो बस आज एक्चुअली प्रमोशन इतने सारे हुआ और एक फैमिली की तरह इतने टाइम से हम लोग सब काम कर रहे थे और आज अभी देखो डिस्प्ले इवनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ दैट हम तुम्हें चाहते हैं का प्रीमियर है आज और कल वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड और सेवा सेवा एक ऐसा गाना है जो सबको नचाता है आप लोग सब लोग नाचते हैं गाते झूमते हैं और स्पेशली आज दादू को बहुत मिस कर रहा क्योंकि सब लोग आए यहाँ पर दादू देते तो एक अलग ही मज़ा होता था और सेवा सेवा में एज द यंगेस्ट प्लेबैक सिंगर डेब्यू दे रहा हूँ तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए ब्लेसिंग्स दीजिए और आप लोग को आई होप आप लोग को मूवी अच्छा लगे हाँ नोट देकर वोट लिया जीता इलेक्शन नेता बना सबको कुर्सी से गिरा दिया सीएम की कुर्सी से चिपक गया सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा थैंक यू शूटिंग के टाइम पे तो अनरियल लग रहा था क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फाइनल टर्म पेपर था और 8 से 9 तक और मम्मी एज यूजुअल टेंशन कर रही थी क्या पढ़ेगा क्या करेगा तो शूटिंग वाज आउटस्टैंडिंग ऑन स्पॉट गोविंद नामदेव जी राजपाल जी तो मैं आई एम वेरी ऑनर्ड क्योंकि राजपाल जी इतने बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन मेरे गले पर एक्टिंग कर रहे प्ले कर रहे बहुत खुशी की बात है और लॉलीपॉप जी लॉलीपॉप प्रधान उन्होंने कोरियोग्राफ किया बहुत अच्छे से उनका जो आइडिया था बहुत क्रिएटिव आइडिया था एकदम डिस्को लाइट के साथ और बहुत खुश हूँ आप लोग अच्छा लगे मूवी और एंजॉय कीजिए नर्वस तो एकदम नहीं हूँ मैं तो एकदम बिंदास आदमी दादू जैसे दादू ने मुझे एक चीज बहुत नर्वस नहीं रहने के लिए बिंदास रहने के लिए थैंक यू You know, I'm always curious and excited with every film of mine. It is not a matter that, you know, I have won awards or anything, but for me, every film is a learning experience. So be it. Hum tumhe chahte hain. And this is a very, very special film for me and very, very close to my heart because it's hamari ghar ki film hai. बापी दास की फिल्म है और बापी दास फैमिली फिल्म है तो एस आर जी फिल्म इज लाइक माई फैमिली एंड एंड परफॉर्मिंग इन अ फैमिली फिल्म इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल और मुझे लगा ये स्टोरी में बहुत ही खासियत है इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी लेकिन उसमें सिर्फ लव ही नहीं है बहुत सारे अदर एंगल्स हैं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मूवी के लिए स्टोरी लाइन इज़ वेरी पावरफुल एक इंडिपेंडेंट वुमन की कहानी है एक कॉर्पोरेट वुमन की कहानी है एक लव एंगल है और सोसाइटी में जो भी चल रहा है उसका भी एक झलक है इस मूवी तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल कम्पोज फिल्म और मैं जो किरदार निभाई जिसका नाम है माया और माया इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर हर फिल्म से मुझे कुछ सीख पाती हूँ और मुझे लगता है कि हर फिल्म मुझे कुछ सिखा जाते हैं तो हम तुम्हें चाहते हैं कि ऐसा एक स्टोरी है जो बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है और हमारी जो डायरेक्टर है राजन जी बहुत अच्छे से एसिस्टेंट किया और आज के दौर में बहुत सारे थ्रिलर्स और एक्शन पैक्ड मूवीज हो रहे हैं लेकिन इसमें वो जो जब लव स्टोरी होता है एक प्यार भरी कहानी होती है उसमें लोगों को हमेशा प्यार मोहब्बत पसंदीदा चीज होती है कि मोहब्बत ऑलवेज हैज रेंड ओवर एवरीथिंग इट इज ट्रायम्फ ओवर एवरीथिंग मुझे लगता है हम तुम्हें चाहते हैं भी दर्शकों की चाहत में शामिल होंगे और दर्शक इसमें चाहने लगेंगे यही हमारी उम्मीद है रेमा बापा गोविंद जी
लाइक अ फैमिली. आई एम मिसिंग बापीदा टुडे बिकॉज बापीदा की लास्ट म्यूजिक है इसमें और पापा ने इसको बहुत अच्छे से अरेंज किया. और हमारी जो वंडर किड है रेगो भी संग द सॉन्ग सेवा सेवा विच इज़ ऑलरेडी ट्रेंडिंग एंड उसका भी डेब्यू सॉन्ग है इस फिल्म में. तो मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों को अच्छा लगेगा और इसमें हमारी नया कलाकार इंट्रोड्यूस हुए हैं जन्मजय अनुष मिली है मैं राजपाल जी गोविंद नामदेव अरुण बख्शी जी अरुण जनोका जी बहुत सारे बहुत ही दमदार कलाकार हैं इसमें. सो ऑब्वियसली बहुत ही उम्मीद है इस फिल्म से. तो देखते हैं क्या होता है. एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस. आज मूवी की लॉन्च हो रही है. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शामिल हो पाई क्योंकि मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं न्यू कमर्स के साथ काम करके करके माहिर हो चुकी हूँ. न्यू डायरेक्टर्स न्यू कमर्स बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगता है काम करने में क्योंकि उन लोगों के अंदर एक नया एनर्जी होती है बहुत ही एक मतलब एक जुनून होते हैं. तो इसमें भी जन्मजय है जाना गुड जॉब. और हमारी जो डायरेक्टर है वो इतना अच्छे से उनको समझाया मतलब किरदार के बारे में कि वो मतलब इतना अनकम्फर्टेबल फील है सेट पे ही वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड. तो वो मुझे अच्छा लगा. थैंक यू. बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ आज और स्पेशली बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि लेजेंड की बेटी होने के बाद अभी रेगो ने भी म्यूजिक में इतना अच्छा शुरुआत किया है. तो अभी रेगो की मम्मी रेगो भी की मम्मी सब बोलते हैं अभी. तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड और दादा का ब्लेसिंग्स दादा का आशीर्वाद. जो भी हम काम करते हैं हम दादा को अपने जहन में रख के पूछ के करते हैं और उनका म्यूजिक है आज ये मूवी पे. और बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है क्योंकि आई एम मिसिंग डैडी वेरी मच. डैडी को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग दिलो जान से पर भगवान के मर्जी के ऊपर तो किसी का चलता नहीं है पर वही हमारे शक्ति दे रही है. और रेगो का फर्स्ट डेब्यू हुआ है दादा के संगीत पे रेगो ने गाया है जो आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद कभी हुआ नहीं है कि ग्रैंडफादर के ट्यून पे ग्रैंडसन ने गाया है. और उसका फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग एज अ प्लेबैक सिंगर इन द मूवी फीचर फिल्म है. और सेवा सेवा बहुत ही वायरल हो गया है. सारे गामा ने लॉन्च किया है म्यूजिक लॉन्च किया है एंड वायरल हो गया ऑलरेडी और अच्छा जा रहा है. अभी बस आप लोग की आशीर्वाद चाहिए कि आप लोग पिक्चर को देखे जाके हॉलों में जो फ्राइडे में ओवल वाइड रिलीज है एंड उसे देखिए. दादा के म्यूजिक दादा ने भी एक गाना गाया है रोमांटिक गाना गाया है पलक मुच्छल जी के साथ और शान जी और अलका दीदी ने भी गाया है. सना अजीज़ जो मोहम्मद अजीज़ की बेटी है उन्हें भी हम लोग ने एक चांस दिया गाना गाने के लिए तो उसने भी गाना गाया है. तो म्यूज़िक बहुत ही बढ़िया है दादा का म्यूज़िक ऑलवेज मेलोडियस अच्छा होता ही है आप लोग को सबको पता है. और सेवा सेवा भी बहुत हिट हो गई है. तो बस आशा है कि आप लोग जाए थिएटर हॉल में मूवी देखें और इन्जॉय करें. रेगो 13 साल का है तो ऑफकोर्स एक छोटा बेबी है बच्चा है और वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत ही रियल म्यूजिशियन है रेगो और बहुत ही अपने पैशनेट है और म्यूजिक को लेके वो जीता है. इज़ अ 100% म्यूजिकल बॉय और उसके रग रग में म्यूजिक है और पढ़ाई में भी अच्छा है 9th स्टैंडर्ड में है. डिफ़िकल्ट है दोनों मैनेज करना पर कर लेता है क्योंकि पढ़ाई में अच्छा है तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है उसकी पढ़ाई के बारे में. पर वो अच्छा कर रहा है वॉट एवर ही इज़ डूइंग ही इज़ वेरी ही इज़ वर्किंग हार्ड और बहुत साधना करता है. 2 साल से गाना शुरू किया उसने बहुत कम उम्र से गाना शुरू किया दादा से सीखा भी है 12 साल ही सीखा है. काश और दादा रहते तो और अच्छा होता हमारे लिए पर हाँ दादा के ब्लेसिंग्स है. गर्लफ्रेंड जब ये स्वीट मूवी है हीरो किसी को नहीं
एक अलग रूप में, हाँ बहुत ही अलग अलग उसमें 90% नहीं लोग। एक और अभी हमने कल 21 अक्टूबर से विनोद पे जा रहे हैं विक्रांत, उसमें भी नहीं लोग। पब्लिक का प्यार, आप सबका आशीर्वाद, हम लोग मेहनत करने वाले लोग मेहनत करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आप सबका प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेगा। देखिए जी, आज भप्पी लहरी जी कितने खुश हो रहे होंगे पता है, कितने खुश हो रहे होंगे। ये उनके आशीर्वाद से हुआ ये काम, ये उनकी बेटी जमात जिन लोगों ने गजब कर दिया है, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत प्रेम रहा, बहुत प्रेम। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने, उन्होंने जो संगीत बनाया था उस संगीत को फिर रिलीज किया है, के जाने के बाद फिल्म में आया। ऐसे ही एक बार हुआ था ना, फिल्म आई थी जिसमें मदन मोहन जी का संगीत था, वीर जारा। कितने साल बाद? तो ये वीर जारा वाला काम हुआ है कि यहाँ भप्पी जी का संगीत फिर से लोगों के कानों में पड़ा, उजागर हुआ। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा गाना गाने को मिला है इसमें भप्पी जी के म्यूजिक का। मैंने तो उन दिनों भी उनके गाने गाए थे जब वो थे, तो उनके म्यूज़िक में मैंने जो गाना गाया मुझे बहुत मज़ा आया, और मुझे तो इसमें एक रोल करने का भी मौका मिला। एक बड़ा शरीफ चीफ मिनिस्टर है वो मैं, तो आप लोग ज़रूर इसको गाने को भी सुने और फिल्म को भी देखें, और पूरी टीम को मुबारकबाद। यार वो कमाल है यार, वो तो बपीदा ही है, उसके अंदर वही आवाज़ है, लगता है जैसे बपीदा गा रहे हैं, वही आवाज़ है, बिल्कुल वही अंदाज है। भगवान को बहुत तरक्की दे, उसको वही नाम दे जैसे बप्पी जी को नाम दिया। देखिए इसमें मैसेज ये है कि हर इंसान को जो किसी भी क्षेत्र में आए उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। तो यहाँ जो भी पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में जो ऑनेस्टी नहीं है, बेईमानी है, उसको उजागर किया गया है, और यही कोशिश की गई है कि ये भी क्षेत्र दूसरी क्षेत्रों की तरह बहुत पवित्र हो। ऑनेस्ट थैंक यू। ऊपर किसने डाल दिया? बात तो वही है, वो बिल्कुल सिचुएशन हैज़ टू बी लिटिल डिफरेंट, और बाकी फिल्म तो वैसी ही होती है। मोटिव ऐसे बेसिकली इट्स बेसिकली एंटरटेनर ही है, लेकिन मोटिव ऐसा जो आजकल का यूथ है तो ब्लाइंडली किसी भी रिलेशनशिप में जंप कर देता है या ये कर देता है। वी आर ट्राइंग टू सेव look before you leave, that's the thing. Thank you, sir.